અફઘાનિસ્તાનમાં અરાજકતાનું વાતાવરણ છે. સરકાર વગરનો દેશ અને રસ્તા પર અસ્તવ્યસ્ત તત્વોની હાજરી છે. ગુના અને આતંક સાથે સંકળાયેલા તત્વો પ્રવેશી રહ્યા છે. ત્યારે અફઘાનિસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓ સાથે દિવ્યાંગ ન્યૂઝની ખાસ વાતચીત જાણીએ. સર, અફઘાનિસ્તાન મેં આજ બહુ અફરા તફરી કા માહોલ હૈ, તો આપ બતાઈએ કે વહાં ક્યા ચલ રહા હૈ? हाँ, अफ़गानिस्तान में अभी आज जो है और अभी तक जो है वो सिचुएशन जो है नॉर्मल है. कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है. वो जो गवर्नमेंट था अशरफ गनी का, वो चल गया और एक नया गवर्नमेंट तालिबान के नाम पर आ गया. वो तालिबान बता रहा है कि हम वो 20 ईयर पहले लोग नहीं है. हम यहाँ पे अच्छा सा गवर्नमेंट बन के ये लोगों का सर्विसेज कर रहे हैं. और इस लोगों के इस लोगों का वो जो अशरफ गनी का गवर्नमेंट में था, इस लोगों का हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी वहाँ पर लड़ाई फिनिश है, वो सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, कोई बात नहीं. आपकी सरकार का पहले का राष्ट्रपति वो सबको ऐसे ही छोड़ के भाग गया, तो इसके बारे में आप? नहीं, वो भाग नहीं गया. वो इसके लिए कि हमारे वहाँ पे जो ये 20 ईयर्स में डेवलपमेंट हुआ काबुल में और प्रोविंसेस में, वो उसने बता दिया कि मैं जब लड़ाई करूँगा, ये प्रॉक्सी वार है पाकिस्तान का और अमेरिका का, ये जो मैं वहाँ पे लड़ाई करूँगा. हमारे पास बहुत आर्मी थी, 3 लाख 3.5 लाख आर्मी थी हमारे पास वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के पास. तो अशरफ गनी ने बता दिया कि जब मैं यहाँ पे लड़ाई करूँगा तालिबान के साथ, तो ये प्रॉक्सी वार है, ये हमारे जो 20 ईयर्स के कोई कुछ डेवलपमेंट है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में और वो जो क्या डेवलपमेंट वहाँ पे हो एजुकेशन में, वो ये फिनिश होगा. इसके लिए अशरफ गनी ने बता दिया कि लड़ाई बस है, ये 20 ईयर से हमने लड़ाई कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इसके लिए अशरफ गनी ने मुल्क छोड़कर चला गए. ये अभी तालिबान भी बता रहा है कि हम अशरफ गनी के साथ बात करके उसको फिर से बुलाकर अपने वो जो कंट्री है यहाँ पे लाकर उसको एक अच्छा सा कुर्सी देकर राजी करेंगे. मानव मेहता, दिव्यांग न्यूज़, अहमदाबाद.